नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शेखर, सेलेक्टेड कैंडिडेट इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैच 2020, और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल सिलेक्शन मेंटर पर, जहां हम आपके साथ पर डे वोकैबुलरी का पंचनामा लेकर आ रहे हैं। और आज हमारा चौथा क्लास है, जहां पर डे आप सभी के साथ हम 5 वोकैबुलरी वर्ड्स का डिस्कशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया करते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर ये लिंक आपको दिया गया है। वहाँ पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन, हर एक तरह का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। आप चाहो तो आप हमारे मेंटर अंकुश शर्मा सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे मेंटर विराट दुबे सर के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, और आपके मन में जो भी क्वेरी है उनसे रिलेटेड आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो, कुछ भी आप उनसे पूछ सकते हो। तो आइए, आज का पहला वर्ड हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इनविंसिबल। इसका हिंदी में अर्थ होता है अजय, यानी जिसको कोई हरा नहीं सकता। आप देख सकते हो ये जो है रेसर, ये बाकी रेसर से आगे निकल चुका है, तो ये जो बाकी लोग हैं ये इसको हरा नहीं सकते, तो ये इंसान अजय हो गया। आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ अनबीटेबल, सेकेंड वन इज़ इम्प्रेग्नेबल, थर्ड वन इज़ इनडोमिटेबल, अनदर वन इज़ इनवल्नरेबल, एंड द लास्ट वन इज़ अनकॉन्क्यूरेबल। आप इसके एंटोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ वल्नरेबल, सेकेंड वन इज़ वीक, थर्ड वन इज़ बीटेबल, एंड द लास्ट वन इज़ कंक्यूरेबल। आइए दोस्तों, हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हमने कहा, कोरोना वायरस मे बी इनविंसिबल एनिमी, बट आवर मेडिकल वर्कर्स आर इनविंसिबल। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि कोरोना वायरस एक अदृश्य दुश्मन हो सकता है, लेकिन हमारे चिकित्सा कर्मचारी अजय हैं, यानी उनको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। आई होप दोस्तों ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, दैट इज़ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का हिंदी में अर्थ होता है कूटनीति। आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ टैक्ट, सेकेंड वन इज़ डिस्क्रीशन, थर्ड वन इज़ टैक्टफुलनेस, अनदर वन इज़ डेलिकेसी, एंड द लास्ट वन इज़ क्लीवरनेस। आप इसके एंटोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ इग्नोरेंस, सेकेंड वन इज़ बैड मैनर्स, एंड द लास्ट वन इज़ इम्पोलाइटनेस। आइए दोस्तों, हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हमने कहा, चाइना मस्ट यूज़ डिप्लोमेसी टू सेटल बॉर्डर इश्यूज विथ इंडिया, सेड यूएस हाउस पैनल। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि अमेरिका के हाउस पैनल ने कहा कि चीन को भारत के साथ सीमा मुद्दों को निपटाने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं तीसरे वर्ड की तरफ, जो कि है हमारा कमेंडेबल। कमेंडेबल का हिंदी में अर्थ होता है प्रशंसनीय। आई रिपीट, कमेंडेबल का हिंदी में अर्थ होता है प्रशंसनीय। आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज एडमायरेबल, सेकेंड वन इज क्रेडिटेबल, अनदर वन इज एग्जाम्पलरी, फोर्थ वन इज लॉडेबल, अनदर वन इज मेरिटोरियस, एंड द लास्ट वन इज प्रेज वर्दी। आप इसके एंटोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज बैड, सेकेंड वन इज ब्लेम वर्दी, थर्ड वन इज पुअर, एंड द लास्ट वन इज अनवर्दी। आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, सोनू सूद्स इनिशिएटिव टू हेल्प माइग्रेंट्स इज रियली कमेंडेबल। ये देखिए, हमारे सोनू सूद जी हैं जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, तो इन्होंने जो एक पहल निकाला है, मतलब प्रवासियों की मदद करने के लिए सोनू सूद की जो पहल है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। आई होप दोस्तों ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे चौथे वर्ड की तरफ, दैट इज़ ऑन सेट। ऑन सेट का हिंदी में अर्थ होता है शुरुआत। आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ बिगिनिंग, अनदर वन इज़ स्टार्ट, अनदर वन इज़ इंसेप्शन, अनदर वन इज़ कमेंसमेंट, एंड द लास्ट वन इज़ आउटसेट। आप इसके एंटोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ एंड, सेकेंड वन इज़ कंक्लूजन, एंड द लास्ट वन इज़ फिनिश। आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द साउथ वेस्ट मॉनसून हैज़ मेड एन ऑनसेट ओवर केरला। ये देखिए, ये केरला का ही फिगर है, ठीक है। ये जो कोकोनट के ट्रीज़ हैं, ये केरला को इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल के ऊपर शुरुआत कर दी है। आई होप दोस्तों ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे लास्ट यानी पचवें वर्ड की तरफ, दैट इज़ रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का हिंदी में अर्थ होता है निंदा करना। आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ क्रिटिसाइज, सेकेंड वन इज़ डिनाउंस, थर्ड वन इज़ रीबक, फोर्थ वन इज़ रिप्रोच, एंड द लास्ट वन इज़ डिप्लोर। आप इसके एंटोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ अप्रूव,
सेकेंड वन इज़ कमेंट, थर्ड वन इज़ कॉम्प्लीमेंट एंड द लास्ट वन इज़ फ्लैटर। आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमने कहा, कैनेडा, यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया जॉइंटली रेप्रीमेंडेड चाइना ओवर हॉन्ग कॉन्ग सिक्योरिटी लॉ। ये देखिए, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, जिसका हिंदी में अर्थ हुआ कि हांगकांग सुरक्षा कानून को लेकर कनाडा, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से चीन की निंदा की है। यानी इस प्रेसिडेंट के जो भी रूल बने थे हांगकांग के सिक्योरिटी को लेकर के, तो उस सिक्योरिटी लॉ को लेकर के जो भी चाइना के रूल बने थे हांगकांग के ऊपर, उसकी कड़ी निंदा इन देशों ने मिलकर के की है। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो मन हो आपको कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ अस एंड प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट आवर चैनल सिलेक्शन मेंटर। थैंक यू, बाय।